नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है दीपक। जय हिंद। सबसे पहले सभी देशवासियों को स्वतंत्रता दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो पहले मैं बात करता हूँ अपने उस वीडियो की जो मैंने थोड़े दिन पहले पोस्ट किया था, जो था हाउ आई बॉट ड्रोन फ्रॉम दुबई। उससे रिलेटेड मुझे बहुत सारे क्वेश्चन आए, लोगों ने बहुत सारे मैसेजेस किए इंस्टाग्राम पर, मैसेज और DM, और उन्होंने मुझसे पूछा कि क्या मैं उनके लिए ड्रोन मंगा सकता हूँ, क्या वो अपने किसी दोस्त के थ्रू या अपने किसी रिश्तेदार के थ्रू दुबई से ड्रोन मंगा सकते हैं या कहीं और से इम्पोर्ट करा सकते हैं। और एक क्वेश्चन जो सबसे ज़्यादा आया वो ये क्वेश्चन आया कि क्या अभी भी इंडिया में ड्रोन्स को इम्पोर्ट किया जा सकता है। सो आज मैं बात करूंगा उस लॉ की, उस ऑर्डर की, उस रेगुलेटरी नॉर्म की जो कि DGFT, डायरेक्टर जनरल ऑफ फॉरेन ट्रेड ने रिलीज किया था फरवरी 2022 में, जिसमें कहा गया था कि ऑल ड्रोन्स आर बैंड इन इंडिया टू बी इम्पोर्टेड। इस रेगुलेशन के बारे में, इसके बारे में आज मैं डिटेल में बात करूंगा, और इसके बारे में बात करना थोड़ा सा हो जाता है ज़रूरी। उसके दो कारण है। पहला कारण ये कि आपको रीज़न पता होना चाहिए कि वो ड्रोन बैन क्यों किया गया है, और ताकि आप उस कॉज को सपोर्ट कर सके। दूसरा, अगर आपको वो रीज़न नहीं पता है और आप ऐसे फंसा देते हैं, तो मेरे जो वीडियो क्रिएटर भाई हैं, यूट्यूबर्स हैं, वीडियोग्राफर्स हैं, फोटोग्राफर्स हैं, मैं जानता हूँ कि ड्रोन बहुत महंगे होते हैं, वो आपका ड्रोन जब्त कर लिया जाएगा पॉलिसी के तहत, और आपका पैसा बर्बाद हो जाएगा, जो कि मैं बिल्कुल भी नहीं चाहता। इसीलिए इस वीडियो को एंड तक देखिएगा, एक एक बात को मैं आपको बारीकी से बताऊंगा, और कोई भी पॉइंट स्किप मत कीजिएगा, और एंड तक आपको सारी बातों का जवाब मिल जाएगा। आज का दिन मैंने वीडियो बनाने के लिए इसलिए चुना है क्योंकि आज है 15 अगस्त का दिन, इंडिपेंडेंस डे। आज के दिन लोग देशभक्ति की बातों को ज़्यादा अच्छे से रिलेट कर पाएंगे, और मैं जो रीज़न आपको बताने वाला हूँ जो इसके पीछे है, उसको भी अच्छे से समझ पाएंगे और शायद उस कॉज को सपोर्ट कर सकें। तो जल्दी से बात को शुरुआत करते हैं और आपको बताता हूँ कि क्या है ये नॉर्म। सो फरवरी 2022 में DGFT, डायरेक्टर जनरल ऑफ फॉरेन ट्रेड ने एक रेगुलेशन पास किया था, और उसके तहत इंडिया में सारे ड्रोन्स को बैन कर दिया गया है इम्पोर्ट करने के लिए। उसकी तीन कैटेगरी बताई है उन्होंने। पहली कैटेगरी बताई है, जो बताई है CBU, जिसे कहते हैं कम्प्लीट बिल्ड यूनिट। दूसरी बताई गई है CKU, जिसे कहते हैं कम्प्लीट नॉकडाउन यूनिट। और तीसरी बताई गई है SKU, जिसे कहते हैं सेमी नॉकडाउन यूनिट। तो कम्प्लीट बिल्ड यूनिट वो यूनिट होती है, जैसे कि आप मिनी DJI मिनी की बात कर लीजिए, DJI मिनी 2 की बात कर लीजिए, या DJI Mavic Air की बात कर लीजिए, कोई भी ऐसा ड्रोन जो कि पूरी तरह से कंस्ट्रक्टेड है, पूरी तरह से बिल्डअप फॉर्म है, उसको आप एज इट इज खरीद के इंडिया में इंपोर्ट कर लेते हैं, वो बैन है। अगर मैं बात करता हूँ कंप्लीट नॉकडाउन यूनिट या सेमी नॉकडाउन यूनिट, का मतलब यह है कि पीसीस के अंदर या हाफ कॉन्फिगर्ड हाफ नॉट कॉन्फिगर्ड आप लाते हैं यहाँ आके, पूरी तरह से कॉन्फिगर कर लेते हैं, वो भी बैन है। तो कुल मिला के मुद्दा यह है कि इंडियन गवर्नमेंट ने ये कहा है कि ड्रोन आप बाहर से इम्पोर्ट नहीं कर सकते, केवल एक्सेप्शंस दिए गए हैं, और वो एक्सेप्शंस दिए गए हैं डिफेंस रिसर्च के लिए, रिसर्च के लिए, एजुकेशन पर्पस के लिए, जिसके लिए एक्सेप्शनल अप्रूवल लेने की ज़रूरत पड़ेगी, उसमें कागजी कार्रवाई करनी पड़ेगी। अगर आप उन सेक्टर से नहीं आते हैं और आप एक्सेप्शन अप्रूवल नहीं लेते हैं, तो आपको शौकिया कोई भी ड्रोन इंडिया में इम्पोर्ट करने नहीं दिया जाएगा। इसीलिए बाहर से कोई भी ड्रोन ऑर्डर करने से पहले इस वीडियो को देख लें और इसको समझ लें। अब बात करते हैं कि ऐसा लॉ इंडिया गवर्नमेंट ने क्यों बनाया। तो इंडिया गवर्नमेंट ने ये जो लॉ बनाया है, उसके पीछे कुछ चीज़ें जो आपको समझने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। पहली चीज़ ये है कि इंडिया ड्रोन मैन्युफैक्चरर नहीं है। दूसरा, इंडिया वर्ल्ड का सबसे बड़ा ड्रोन इम्पोर्टर है। अगर आप 1985 से लेकर करंट सिचुएशन तक की बात करते हैं 2022 की, इंडिया ने वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा ड्रोन्स को इम्पोर्ट किया है, और वो ड्रोन रिसर्च, डेवलपमेंट, फोटोग्राफी, वीडियोग्राफी, कमर्शियल पर्पज़, सब चीज़ों के लिए यूज़ किए गए हैं। तो अगर हम इतना ज़्यादा ड्रोन का यूज़ कर रहे हैं और हम ड्रोन के इतने बड़े इम्पोर्टर हैं, इसका मतलब ये है कि हम इंडियन करेंसी का बहुत मोटा पैसा बाहर फॉरेन में फंसा रहे हैं, जिसकी वजह से हमारे रुपए की वैल्यू कमज़ोर हो रही है। ये एक सेक्टर है जिसके बारे में गवर्नमेंट ने ऐसा लॉ पास किया है, इसीलिए मैं इसी चीज़ के बारे में बात करूंगा, और स्कीम्स के बारे में या और चीज़ों के बारे में बात नहीं करूंगा यहाँ पर। तो सबसे पहली बात आपको समझने की ज़रूरत है कि इंडिया ने इस लॉ को इसीलिए पास किया है ताकि वो मेक इन इंडिया पे थोड़ा सा जोर दे सकें। ऐसी बहुत सारी हमारी होम ग्रोन डोमेस्टिक ऑर्गेनाइजेशंस है जो ड्रोन बनाने की एक्सपर्टीज रखती हैं, बट क्योंकि आप बाहर से उसको इम्पोर्ट कर लेते थे, इसलिए वो नहीं बना पा रही थी, उनको मार्केट नहीं मिल पा रहा था। बट इस लॉ के तहत वो पार्ट्स को बाहर से इम्पोर्ट कर सकते हैं विद ऑल द परमिशंस फ्रॉम गवर्नमेंट, रेगुलेटरी परमिशंस फ्रॉम गवर्नमेंट। उसके बाद वो यहाँ उसको असेंबल करेंगे और उसके बाद वो मार्केट में आपको सेल करेंगे। तो मेक इन इंडिया को प्रमोट करने के लिए गवर्नमेंट ने यह लॉ निकाला है, और आई थिंक हमको और आपको भारतवासी और नागरिक होने के नाते इस बात को समझना पड़ेगा कि वो लॉ हमारे देश के लिए है, इसीलिए मेक इन इंडिया को हमको प्रमोट करना चाहिए, हमको सपोर्ट करना चाहिए। अब बात कर लेते हैं, अगर आपको ड्रोन मंगाना है तो क्या आप मंगा सकते हैं, नहीं मंगा सकते आप। साफ शब्दों में बात ये कही जाए तो आप अब ड्रोन को बाहर से इम्पोर्ट नहीं कर सकते।
अगर आप कुछ लोग ये क्वेश्चन पूछेंगे कि अगर मैं DJI मिनी मंगाता हूँ, मैविक मिनी मंगाता हूँ, थ्री मंगाता हूँ जो कि टॉय कैटेगरी में आते हैं, अंडर 250 ग्राम में आते हैं, तब तो मुझे अलाउ होना चाहिए। जी नहीं, ड्रोन्स नॉट अलाउड का मतलब है ड्रोन्स नॉट अलाउड, चाहे वो किसी भी कैटेगरी में आते हो, चाहे वो 10 ग्राम से 250 ग्राम की कैटेगरी में आते हो, चाहे वो 250 ग्राम की कैटेगरी से 25 किलो की कैटेगरी में आते हो। इंडियन गवर्नमेंट ने साफ साफ बता दिया है कि आप अब कोई भी ड्रोन को इम्पोर्ट नहीं कर सकते। हाँ, एक चीज़ अच्छी ये है कि जो लोग 250 ग्राम के ड्रोन को, 250 ग्राम के ड्रोन को पहले से ही ला चुके हैं या उनके पास पहले से वो ड्रोन है, उन ड्रोन्स के ओनर्स को किसी भी तरह की कोई भी कागजी कार्रवाई करने की ज़रूरत नहीं है। उनको बस कुछ लॉज DGCA की साइट पर जाकर देखने हैं, उसके थ्रू ही उसको उड़ा सकते हैं। जैसे कि एयरपोर्ट से 8-10 किलोमीटर की दूरी पर होना चाहिए, 400 मीटर की ऊंचाई पे होना चाहिए। उसको वैसे ही वो जियो रिस्ट्रिक्शन के साथ आता है, तो 15 मीटर से आप ऊपर नहीं उड़ा सकते, बट अगर आप किसी तरह से उसको 15 मीटर से ऊपर उड़ाने की कोशिश करते हैं तो 400 मीटर की ऊंचाई से नीचे रखना चाहिए उसको। आपको ध्यान रखना चाहिए कि आप येलो जोन में है, ग्रीन जोन में है या रेड जोन में है। उसके लिए आप DGCA की साइट पर जाके मैप को चेक कर सकते हैं। और आजकल बहुत सारी एप्लीकेशन ऐसी आती हैं जो आपको रियल टाइम में बता देंगे कि आप किस लोकेशन में हैं और किस जोन में है कि आप उसको ड्रोन उड़ा सकते हैं नहीं उड़ा सकते हैं। वैसे मैं और आप इतने समझदार तो हैं कि हमको पता है कि अगर वो डिफेंस का एरिया है, एयरपोर्ट नियर बाय है या कोई भी ऐसी रिस्ट्रिक्टेड जगह है जहाँ पर हमको ड्रोन नहीं फ्लाई करना, तो हमको उसको नहीं फ्लाई करना चाहिए। हमको अपने इंडियन लॉज का, रूल रेगुलेशन का पालन करना चाहिए। कुछ लॉज ऐसे होते हैं जो शायद मेरे और आपकी समझ से परे हों, बट अगर वो मना है इसका मतलब वो मना है, हमें खलीफा बनने की ज़रूरत नहीं है। तो होपफुली आपको इस वीडियो में उस क्वेश्चन का आंसर मिल गया होगा जो बहुत दिनों से लोग मुझसे जानना चाह रहे थे। बाहर से ड्रोन मंगाने से पहले इस बात को बहुत अच्छे से ध्यान में रख लीजिए कि अगर आपका ड्रोन आते समय पकड़ जाता है तो वो कस्टम में सीज हो जाएगा, आपको नहीं मिलेगा, आपके पैसे खराब हो जाएंगे। अब क्या करें? इसका मैं आपको एक बहुत अच्छा ऑल्टरनेट बताता हूँ। अगर आपको ये लगता है कि आपकी क्रिएटिविटी रिस्ट्रिक्ट हो रही है ड्रोन के एब्सेंस में, तो मैं आपको एक बहुत अच्छी चीज़ बताता हूँ। पहली चीज़, आप एक वेबसाइट है जिस पर जाकर आप ड्रोन्स को रेंट कर सकते हैं। ड्रोन्स अगर आप मार्केट से खरीदते हैं या आप इंपोर्ट करते हैं तो ड्रोन बहुत महंगे आते हैं, तो मुझे आपको बताने की ज़रूरत नहीं है। तो अगर आप इस साइट पर जाकर ड्रोन्स को रेंट कर लेते हैं तो आपको मिनिमल चार्जेस में आपके यूसेज के लिए वो ड्रोन मिल जाएगा। आप उसको ऑर्डर कीजिए, वो आपके घर आएगा, आप उसको यूज़ कीजिए। यूज़ करने के बाद जैसी हालत में आए तो वैसी हालत में उसको रिटर्न कर दीजिए और आपका काम हो जाएगा। बट आपको यहाँ भी रूल रेगुलेशन को ध्यान रखने की ज़रूरत है जो मैंने आपको बताए, और DGCA की साइट पे पूरी डिटेल्स पढ़ सकते हैं। अगर आपको जानना है वो वेबसाइट का लिंक क्या है, वो क्या वेबसाइट है, क्या चार्जेस होते हैं, तो मैं यहाँ उसके बारे में जिक्र नहीं करूँगा क्योंकि ये वीडियो का इंटेंशन नहीं है। ये एक ऑल्टरनेट है, सोल्यूशन जो मैं आपको बता रहा हूँ। अगर आपको जानकारी चाहिए तो नीचे मुझे कमेंट सेक्शन में मैसेज कीजिए, मैं आपको जवाब दूंगा और मैं आपको बताऊंगा कौन सी वो साइट है। ये वीडियो बनाने से पहले मैंने एक चीज़ और देखी थी, मैंने चेक किया था कि क्या अमेजोन पे या और कुछ लोकल साइट्स पे अभी भी ड्रोन्स अवेलेबल हैं। तो बहुत सारी साइट्स से मैंने देखा है कि जो ड्रोन के स्टॉक्स थे वो पहले से ही एग्जॉस्ट हो चुके हैं, वो अवेलेबल नहीं है अमेजोन पे, बट अभी भी कोई डिस्काउंटेड प्राइस पे आपको ड्रोन्स अवेलेबल हैं। तो अगर आप लोग ऑर्डर करना चाहते हैं तो मुझे पता नहीं आप ऑर्डर कर सकते हैं, क्योंकि वो पहले से ही इम्पोर्टेड ड्रोन्स हैं और विद इन इंडिया वो डिलीवरी कर सकते हैं, बट मेरी कोई गारंटी नहीं। आप ठीक से उसको चेक कर लीजिएगा क्योंकि ये इम्पोर्ट की बात नहीं है, बट अमेजोन पे आपको जाहिर सी बात है दुबई के रेट से तो काफ़ी महंगा रेट मिलेगा, बट अगर आपको लगता है कि आपको ऑर्डर करना चाहिए और वहाँ अवेलेबल है तो आप वहाँ से ऑर्डर कर सकते हैं। बट मोस्ट ऑफ द साइट्स जो मैं चेक करता था, जो मैं रिव्यू कर रहा था मंगाने से पहले, मैंने देखा है कि वहाँ से स्टॉक्स ऑलमोस्ट खत्म हो चुका है, अब वो नहीं। और रीज़न मुझे यही लगता है कि शायद इम्पोर्ट्स बैन होने की वजह से इंडिया में आ नहीं पा रहे हैं। ग्रे मार्केट बहुत सारे हैं, बोया बाजार है दिल्ली में, आपका चौधरी कुचा मार्केट है, वहाँ पर हो सकता है कि अभी भी कुछ स्टॉक पड़ा हो जो उनके पास अवेलेबल हो, जो आपको सेल कर सकते हैं, जो उनसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। अगर आपको मिल जाता तो अच्छा है, बट मेरी रिक्वेस्ट आपसे यही रहेगी कि बाहर से इम्पोर्ट मत कीजिए, क्योंकि हमारी गवर्नमेंट का लॉ ये कहता है कि बाहर से इम्पोर्ट नहीं करना। और रीज़न मैंने आपको समझा दिया, बहुत ही अच्छा रीज़न है, मेक इन इंडिया को प्रमोट करना चाहती है गवर्नमेंट। और मुझे लगता है कि आने वाले समय में आपको इंडिया में ही ऐसे बहुत सारे मैन्युफैक्चरर मिल जाएंगे जो बढ़िया ड्रोन बनाएंगे सारी कैटेगरीज के लिए, चाहे वो प्रोफेशनल हो, चाहे वो कमर्शियल पर्पस के लिए हो, चाहे वो डोमेस्टिक पर्पस के लिए हो, चाहे वो रिसर्च एंड डेवलपमेंट पर्पस के लिए हो। तो वो दिन दूर नहीं है। और जब से ये ड्रोन की बातें या इंडिया में जब से ड्रोन का क्रेज बढ़ा, तब से मैंने बहुत सारे लॉज में अमेंडमेंट्स होते देखे हैं। सो अभी मुझे नहीं पता कि ये लॉ कितना हार्ड एंड फास्ट रहेगा, कितना टाइम तक रहेगा, बट लुकिंग एट द कॉस्ट लगता है कि काफ़ी समय तक रहेगा। बट अगर इसमें कोई चेंजेस हो जाते हैं तो सभी के लिए अच्छा है, और अगर रूल में चेंजेस हो जाते हैं तब लेने में कोई बुराई नहीं है। बट अभी के लिए मुझे लगता है कि हम सबको एकजुट होना चाहिए, हमको इस कॉज को प्रमोट करना चाहिए, और इस चीज़ का रिस्क बिल्कुल भी नहीं लेना चाहिए कि हम बाहर से किसी को बोलें कि भैया हमारे लिए ड्रोन लेकर आ जाओ। तो होपफुली इस वीडियो में आपको ये इन्फॉर्मेशन बहुत ही क्लियरली मिल गई होगी, क्योंकि मैंने ये वीडियो बनाने से पहले जानकारी को बहुत ज़्यादा इकट्ठा किया है, और मेरे मेन सोर्स रहे हैं द हिंदू ब्यूरो और द इंडियन एक्सप्रेस के जो आर्टिकल्स आए थे आपके 9th of February 2022 को। इसके अलावा मैंने और भी बहुत सारी गवर्नमेंट की साइट्स को खंगाला है,
और मैंने एक चीज़ नोटिस की है कि जो भी वीडियोस बनाए गए हैं या जो भी आर्टिकल्स ज़्यादातर लिखे गए हैं, उसमें कहीं भी ये चीज़ क्लियरली नहीं लिख रहे हैं, वो बात को बहुत घुमा फिरा रहे हैं। लेकिन घुमाने फिराने की ज़रूरत नहीं है, या किसी के पैसों का सवाल है, किसी की क्वेरीज का सवाल है। इन नटशेल, बहुत ही क्लियर शब्दों में, ड्रोन बैन हो चुके हैं इंडिया में, बिल्कुल मत मंगाइएगा, आपका पैसा फंस जाएगा। उम्मीद करता हूँ इस वीडियो में आपको वो जानकारी मिल गई होगी जिसकी जानकारी की आप बहुत दिनों से तलाश में थे। अगर आपको ये जानकारी पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं, और अगर आपको लगता है कि किसी के साथ उसको शेयर करने से उसका भला हो सकता है, उसको इन्फॉर्मेशन मिल सकती है, तो आप इसको शेयर भी कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं, और इस तरह के वीडियोज़ मैं लाता रहता हूँ। तो जैसा कि आप जान रहे हैं कि आजकल चारों तरफ ब्लॉगिंग की धूम मची हुई, तो मैंने भी कुछ अपना ब्लॉग्स बनाने की कोशिश की और मैंने ब्लॉग्स बनाए हैं। आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप उसको देखें, सपोर्ट करें, अगर आपको पसंद आते हैं उसको लाइक करें, अगर कोई फीडबैक है तो फीडबैक शेयर करें, और अगर चैनल पर नए हैं तो उसको प्लीज़ सब्सक्राइब करें। मैं इस तरह की वीडियो आपके लिए लाता रहूंगा। तब तक के लिए अपना ध्यान देश के हित के बारे में सोचिए, और जोर से बोलिए जय हिंद।